उज्जैन के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में दो लोगों की मौत का मामला पुलिस ने दर्ज कर जांच शुरू की है। पहली घटना महाकाल थाना क्षेत्र में शिप्रा नदी के स्नान करने के दौरान इंदौर में रहने वाला पवन उम्र करीब 19 वर्ष नदी में डूब गया स्नान करते समय जहां युवक की मौत हो गई। दूसरी घटना चिंतामन थाना क्षेत्र में उमरिया खालवा गांव के खेत में एक वृद्ध लक्ष्मीबाई का शव पड़ा मिला, जिसमें जैसे ही खेत के अंदर वृद्ध महिला को मृत अवस्था में देखा तो गाँव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। चिंतामन थाना पुलिस को सूचना मिली और थाने में पुलिसकर्मी पहुंचे और मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। दोनों मृतकों के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।